स्वागत है इंजियन चैनल में। तो कैसे हो भाई लोग? UD2 इसको जानना है तो इस वाली वीडियो पर जाकर आप लोग देख लेना। हमने पोकेमॉन के बहुत सारे गेम्स खेले हैं, कभी एंड्रॉइड में, कभी पीसी में, कभी तो बहुत ज्यादा हाई ग्राफिक्स वाले और कभी तो लाइक GBA टाइप वाले गेम्स खेले हैं। अगर आप ज्यादा गदर वाले फैन हो पोकेमॉन्स के तो आपके पास निंटेंडो स्विच तो हो गई, और जिनके पास नहीं है आई नो बजट प्रॉब्लम होगी, बट इस वीडियो को अगर आप वॉच कर रहे हो तो आपने पोकेमॉन लेट्स गो यूनिटी के बारे में सुना होगा, नहीं तो आप उससे ज़रूर ना ज़रूर वाकिफ होगे। लेकिन कुछ ऐसे भी फैन मेड गेम हैं जिनको आपने कभी नहीं सुना होगा, ना उनके बारे में आपको कभी पता होगा। आई नो बिकॉज ऑफ निंटेंडो और मेरे लास्ट व्यूवर, उनको मैं कैसे बोल सकता हूँ जो मेरी वीडियो लास्ट तक देखते हैं, तो उनके लिए मैंने बोनस बचा कर रखा है। बट टॉप 5 पर जो हमारा फैन मेड गेम है उसका नाम है पोकेमॉन कोल्ड वाटर 3D। बेसिकली ये जो गेम है वो PC के लिए ही है, और अगर हम लोग इस चैनल की बात करें जो ये चैनल है तो इसमें सिर्फ दो वीडियो पड़ी हुई है, जो कि एक जो पहली वीडियो है वो 3 साल पुरानी है और जो दूसरी है वो 2 साल पुरानी है। लेकिन यार गेम बनने में तो टाइम लगता है तो इतना यार चलता है। अबाउट में अगर देखा जाए तो अबाउट में यार कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना इनका कोई सोशल मीडिया अकाउंट है, ना इन्होंने कोई मेल दिया हुआ है। चलो बात कर लेते हैं गेम की। तो गेम में आपको जो दो वीडियो हैं, दो वीडियो में जो फर्स्ट वीडियो है उसमें यार पोकेमॉन एक्स का कैरेक्टर हम लोगों को देखने मिलता है जो बॉय है, और सेकेंड में आपको रेड देखने मिलता है। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर पोकेमॉन एक्स जो सिट्रा में चलता है, जो गेम पोकेमॉन एक्स, उसके ज़्यादातर आपको कैरेक्टर यहाँ देखने मिलते हैं। काफ़ी यार गेम जो है स्टार्टिंग में जब हमने इसकी वीडियो देखी तो काफ़ी लैग इसमें दिख रहा था, लेकिन अगर आप अच्छे डिवाइस में चलाएं तो यार ठीक चलेगा। ग्राफिक्स की बात करें तो यार ग्राफिक्स बहुत ही उमदा है, मैप को काफ़ी अच्छे से एडजस्ट किया हुआ है, लेकिन मुझे इसमें कुछ ज़्यादा पोकेमॉन यहाँ पे दिखाई नहीं दिए। स्टार्टिंग में जो पहली वीडियो थी उसमें सिर्फ एक पोकेमॉन दिखाई दिया, लेकिन अच्छी बात यह है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। कैसे डाउनलोड कर सकते हो? उनकी वीडियो पे, और उनकी वीडियो की लिंक मैंने कमेंट में दे रखी है, और यार उनका आप फेसबुक अकाउंट भी जाके चेक कर सकते हो। टॉप 4 पे जो हमारा फैन मेड गेम है उसका नाम है पोकेमॉन अनरियल इंजन 4। बेसिकली ये अनरियल इंजन 4 में बना हुआ है, तो इसका नाम ऐसे रैंडमली इन्होंने पोकेमॉन अनरियल इंजन 4 रख दिया है। बात करते हैं चलो ग्राफिक्स की। ग्राफिक्स यार इसको देखो, देखने में यार बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। फाइटिंग स्किल भी यहाँ और फाइटिंग एक्शन भी बहुत ही अच्छा है, यहाँ पे सीन्स देखने मिलता है उसका। और यहाँ पे जो जब यहाँ मूव, जैसे कि कोई फाइट कर रहा है तो जब यहाँ कोई मूव पड़ता है तो उसकी जो लाइटनिंग है या उस मूव की जो लाइटनिंग है वो काफ़ी अच्छे मिलती है। मोशन और एनिमेशन को काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे बैलेंस किया हुआ है। तो अनरियल इंजन 5 में भी इन्होंने यहाँ पे थोड़ी बहुत झलक दिखा रखी है। गेम तो बहुत सही है, लेकिन यहाँ पे कन्फ्यूज़न है कि ये गेम पूरा है कि नहीं पूरा है, और इसमें यहाँ पे ये कन्फ्यूज़न भी है कि ये लॉन्च होगा कि नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? देखो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं इनके चैनल पे गया तो यार इनके चैनल पे मुझे कोई अबाउट में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। डिस्क्रिप्शन, जी हाँ, डिस्क्रिप्शन में भी हमें यहाँ पे कुछ देखने नहीं मिला, तो यार इसकी इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं है मेरे पास, ना इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है जो मैं आपको बता सकूँ। लेकिन यार गेम अच्छा है। टॉप 3 में जो हमारा फैन मेड गेम है उसका नाम है पोकेमॉन 3D। तो ये गेम देखने में काफ़ी रियल लगता है, ग्राफिक्स अगर देखा जाए तो कतई जहर हो रहे हैं। लेकिन बात करते हैं डेवलपर की, तो डेवलपर इनके हैं CRYZEN, इनके चैनल का नाम है, तो आप इनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। वैसे इनका चैनल यार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मुझसे भी ज़्यादा। एंड बात करते हैं इस, ये जो प्रोजेक्ट है वो कितने साल पुराना है, तो ये प्रोजेक्ट कम से कम 6 साल पुराना है, मतलब 6 साल हो गया इस प्रोजेक्ट को जो मैं आपको दिखा रहा हूँ पोकेमॉन 3D। और बात करें अभी किस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं, तो मेनली ये जेल्डा प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। अगर देखो ये जो पोकेमॉन 3D है, अगर ये गेम आपको चाहिए तो यार आप इनको जीमेल करके आप इनसे डिमांड कर सकते हो जीमेल पे, शायद ये दे दें। और बात करते हैं यार थोड़ी सा इंटरेस्टिंग चीज़ है,
मुझसे रहा नहीं जा रहा है बताने के लिए। तो जब मैंने इनका ट्विटर अकाउंट खोला तो यार वो ब्लॉग दिखा रहा था, पता नहीं किस वजह से, लेकिन ब्लॉग दिखा रहा था, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं इन्होंने ऐसा क्या कर दिया। टॉप टू पर जो हमारा फैन मेड गेम है उसका नाम है पोकेमॉन लेजेंड आर्कियस। अब आर्कियस गेम अभी तक का बहुत बढ़िया गेम है, तो उस पर बेस्ड ये गेम आप मान सकते हो। चलो इस गेम की बात थोड़ी सी की जाए तो इस गेम में आपको रेड नाम का कैरेक्टर दिखता है, हाँ वही रेड, आप लोग समझ गए होंगे। और चलो बात कर लेते हैं पहले तो वीडियो में क्या क्या है इनकी। तो इनकी वीडियो में सबसे पहले तो गेम प्ले है जो इन्होंने खेला है और इस गेम को इन्होंने किस तरह बनाया है ये भी इन्होंने बताया है, जो कि यार एक काफ़ी अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने मिलता है। मेन किस चीज़ से और क्या क्या लगा मतलब गेम बनाने में, तो यार यूनिटी इंजन में ये गेम बना है और जो लैंग्वेज यूज़ हुई है वो सी शार्प है। तो यार इनके चैनल का मैं नाम ज़रूर लेना चाहूँगा, तो इनके चैनल का नाम है अवतार निक, आप जा के ज़रूर चेकआउट करो। डाउनलोड लिंक यहाँ हमें नहीं देखने मिलती बिकॉज ऑफ मतलब ये गेम अभी आया नहीं है आर्कियस, और ये लिंक दे देंगे थोड़ा सा मतलब हो जाता है, लेकिन आप इनके सोशल हैंडल पे रिक्वेस्ट कर सकते हो, शायद आपको ये गेम मिल जाए, लेकिन यार कुछ कहा नहीं जा सकता। और इनके चैनल पे आपको और भी सारे गेम्स की वीडियो यहाँ पे देखने मिल जाएगी। चलो हम लोग अब बात करते हैं थोड़े गेम के बारे में भी। तो ये जो गेम की एंडिंग है, इन्होंने पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल की जो एंडिंग थी आर्केस वाली वो इन्होंने यहाँ पे रखी है, और आर्केस की बैटल फाइट एंड जो एनिमेशन है वो सारा का सारा लगभग काफ़ी मिलता जुलता है इस गेम से। और देखो भाइयों, अगर आपको और ज़्यादा डीपली डिटेल जाननी है तो आप इनके चैनल को जाके चेकआउट करके इस गेम को प्रॉपरली, इस वीडियो को पूरा देख सकते हो। टॉप वन पर जो हमारा फैन मेड गेम है उसका नाम है पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल इन यूनिटी। तो देखो यार, बहुतों को ये कन्फ्यूज़न भी है और इन्होंने बहुत ये मतलब ये वाला गेम देखा है और बहुत कह रहे हैं कि ये यूनिटी पर बन रहा है, मतलब रीमेक हो रहा है इस गेम का। आपको जो मैं ये वाला गेम प्ले दिखा रहा हूँ आपको ज़्यादातर देखने मिला होगा, हाँ ये देखने में एकदम लगता है कोई गेम हम लोग खेल रहे हैं, या मतलब ऐसा लगता है कोई बंदा यार इसको खेल रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इस वीडियो को जाके देखोगे तो स्टार्टिंग में हमें देखने मिलता है कोई, ये एक गेम नहीं है सीधा सीधा, वो बताता है ये एक एनिमेशन वीडियो है जो एक एजुकेशन नॉलेज पर्पस के लिए बनाई गई, बेसिकली ये एक फैन मेड एनिमेशन है। यार इसको फिर कोई डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, हाँ लेकिन नहीं भी कह सकता हूँ। लेट्स गो यूनिटी के जो डेवलपर हैं उनकी एक वीडियो है रिक्रिएटिंग पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल, ये टाइटल में लिखा हुआ है। तो यार इस वीडियो में जब आप देखते हो तो हमें पोकेमॉन ब्रिलियंट डायमंड एंड शाइनिंग पर्ल का यहाँ पे कैरेक्टर देखने मिलता है, लेकिन यार बस ये एक ही वीडियो है, तो मैं इससे कंफर्म नहीं कह सकता हूँ कि ये गेम रिक्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सीधा आप अगर डेवलपर से बात करना चाहें तो आप उनके ट्विटर अकाउंट पर कर सकते हो। अगर आप लास्ट तक आए हुए हो, आई नो मैं जानता हूँ कि अब बारी आ गई है बोनस की। तो अगर मैं कहूँ, अगर आपने पोकेमॉन गेम्स में कभी गन को देखा है, जी हाँ मतलब आपको अगर गन फाइटिंग करने मिले इन पोकेमॉन गेम में, व्हाट ऐसा हो सकता है, दिस इज रियल, हाँ ऐसा हो सकता है, कोई फेक चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, बट हाँ एक बात कह सकता हूँ कि ये ऑफिशियल पोकेमॉन गेम नहीं है। लेकिन आपने टमटम के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना तो ये एक लाइक पोकेमॉन जैसा ही गेम है, उसमें भी कुछ फेक मॉन्स होते हैं, मतलब मेन पोकेमॉन गेम तो नहीं होते लेकिन हाँ पोकेमॉन जैसा आपको यहाँ पे देखने मिलता है। लेकिन अगर ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स के मामले में पोकेमॉन आर्केस गेम को टक्कर दे रहा है। इसमें एक्शन है, स्टोरी है, थ्रिल है, मतलब काफ़ी अच्छा गेम है। इसके चक्कर में यार मैं इस गेम का नाम तो बताना ही भूल गया। चलो यार, इस गेम का नाम है पेल वर्ड, अगर हिंदी में बोला जाए पेल वर्ड, क्योंकि गन्स से सारे पोकेमॉन्स को पेल देते हैं। आई सॉरी, ये सिर्फ एक मजाक था। चलो इस गेम को किसी टाइम में अगली वीडियो में बहुत अच्छे से कवर करूँगा। देखो अगर आप अभी भी रुके हुए तो आपके लिए और बोनस है, मत जाना, रुके रहो। अगर आपको पोकेमॉन से रिलेटेड और गेम पसंद है, मतलब अगर आप और पोकेमॉन्स के गेम खेलना चाहते हो जो कि प्योरली इंग्लिश है, तो इस लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक करो, नहीं तो राइट वाली वीडियो पे मैंने 3 अननोन पोकेमॉन्स के गेम बता रखे हैं जो कि काफ़ी मज़ेदार है।